Here is the question. If the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? आपके पास एक मेथेनॉल सॉल्यूशन दिया है, उसकी डेंसिटी गिवन है किलोग्राम के अंदर। उस सॉल्यूशन के अंदर आप कितना वाटर ऐड करोगे कि 2.5 लीटर तक वो चला जाए और उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए, 0.25 हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास ऑफ मेथेनॉल कितना होता है, मोलर मास ऑफ मेथेनॉल होता है 32 ग्राम। ठीक है, मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेंसिटी देखिए, डेंसिटी निकालनी है हमें, डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी कितनी रखी है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मेथेनॉल का जो मोलर मास है वो ग्राम में है, ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी किलोग्राम है, तो इसे हम ग्राम के ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो कितना आएगा, 0.032 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट हमने इक्वल कर लिया। अब देखिए डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो हमें डेंसिटी गिवन है वो कितनी है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर। जो डेंसिटी गिवन है वो पर लीटर के लिए गिवन है, मतलब कि आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो यहाँ से आपका गिवन मास ऑफ मेथेनॉल कितना आ जाएगा, 0.793 किलोग्राम पर लीटर से लीटर कैंसिल हो गया था, यहाँ पर यूनिट थी ना, यहाँ पर यूनिट थी किलोग्राम पर लीटर, तो लीटर से लीटर कैनट, तो किलोग्राम आ गया। ठीक है, गिवन मास आ गया आपका 0.793 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें पता है कितना है, 0.793 किलोग्राम अपॉन मोलर मास कितना है, 0.032 किलोग्राम। मोलर मास हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसने किसके लिए चल रहा है, वॉल्यूम 1 लीटर के लिए थी हमारी डेंसिटी, इसलिए वॉल्यूम भी क्या रहेगा यहाँ पर, 1 लीटर। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी मोलरिटी कितनी आएगी, 24.78 मोल पर लीटर। तो ये आ गई आपकी मोलरिटी फर्स्ट। नाउ इस मोलरिटी के सॉल्यूशन के अंदर आप कितना वाटर ऐड करोगे, इस मोलरिटी के सॉल्यूशन के अंदर कितना वाटर आप ऐड करोगे, इसकी मोलरिटी 0.25 मोलर तक चली जाए। तो बस हमें दोनों को रिलेट करना है, तो करिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 फर्स्ट मोलरिटी, तो फर्स्ट मोलरिटी कितनी है, 24.78। वॉल्यूम हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड मोलरिटी है 0.25 मोलर इंटू वॉल्यूम है 2.5 लीटर। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा आपका, 0.0252 लीटर। इसे आप फर्दर ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 25.22 मिलीलीटर। हियर इज द योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या क्या यहाँ पर आपने, वापस देखते हैं, हमारे पास मेथेनॉल की डेंसिटी गिवन थी और हमें ये बताना था कि इस मेथेनॉल के अंदर आप कितना वाटर ऐड करोगे कि ये 0.25 मोलरिटी का एंड 2.5 लीटर वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसके मोलर मास से कैलकुलेट करके फिर हमने क्या किया, हमने इसकी मोलरिटी कैलकुलेट की। मोलरिटी था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता थे, इसलिए हमने क्या किया, हमारे पास डेंसिटी गिवन थी, उससे हमने क्या निकाला, इसका वेट निकाला। अब वेट अपॉन मोलर मास क्या हो जाता है, वेट अपॉन मोलर मास हो जाता है उसकी मोलरिटी। एंड वॉल्यूम हम पर लीटर में लेकर चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी हमें पर लीटर में दी है, इसलिए हम वॉल्यूम कितना मान के चल रहे हैं यहाँ पर, 1 लीटर। नाउ यहाँ से मोलरिटी आई हमारी 24.78 मोल पर लीटर। अब इस वाटर, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना वाटर ऐड करोगे,
कि आपकी मोलरिटी 0.25 मोलर का हो जाए। तो बस हमने दोनों सॉल्यूशन को रिलेट किया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और सॉल्व करने पर आपका वॉल्यूम कितना आया, 25.22 मिलीलीटर। हियर इज द योर आंसर।